ये वेस्कुलर डिजीज जो है जितने भी ये एनिमल्स में वेस्किल्स का फॉर्मेशंस करता है, उस डिजीज के बारे में जितने भी वायरल वायरल डिजीज जो है, जो वेस्किल्स का फॉर्मेशंस होता है, उसके बारे में आज हम लोग स्टडीज करेंगे। इसमें से जो है कुछ इम्पोर्टेंट डिजीज जिसका कि जो है क्लासेस ऑलरेडी जो है कवर हो चुका है, वन ऑफ देम FMD, FMD डिजीज के बारे में जो है वो चर्चा हो चुका है, और उसी में से जो है कुछ फिर बचा हुआ है उसका आज मैं चर्चा करता हूँ। तो ये वेस्कुलर डिजीज इज ए जनरल टर्म रेफरिंग टू डिजीज दैट काउज ब्लिस्टर। ब्लिस्टर एंड वेस्किल्स बोथ आर द अच्छा, सेम पीपीटी टर्म। नहीं दिख रहा है। अच्छा, पीपीटी नहीं आ रहा है? सारा स्क्रीन सर पीपीटी। PDF को ओपन कीजिए सर। क्या हो? शेयर शेयर स्क्रीन दिखाई दिया? यस हाँ, सर। तो ये वेस्कुलर डिजीज जो है, वेस्कुलर डिजीज जो है, दिस इज द रिफ्लेक्टिंग टू डिजीज दैट काउज द ब्लिस्टर्स फॉर्मेशन ऑन द वेरियस पार्ट्स ऑफ द बॉडी। दिस द ऑन द माउथ कैविटीज, इन द माउथ कैविटीज, ऑन द टंग सरफेस, बिलो द टंग सरफेस एंड डॉर्सल एंड वेंट्रल रीजन ऑफ द टंग्स, डेंटल पैड्स एज वेल एज द माउथ, ठीक है, स्नाउट जिसको बोलते हैं। और जो है इसमें वेस्किल्स का फॉर्मेशन जो है इन द लेग रीजन, फीट रिवीजन में, इंटर डिजिटल स्पेस में जो है वेस्किल्स का फॉर्मेशंस होता है, ठीक है। जैसे कि एग्जांपल में जो है FMD, फूट एंड माउथ डिजीज, वेसिकुलर स्टोमेटाइटिस, स्वाइन वेसिकुलर डिजीज एंड वेस्कुलर एग्जेंथाइमा ऑफ स्वाइन, ओके। तो ये सब जो है डिजीज जो है जितने भी है सब जो है वेस्किल्स का फॉर्मेशंस करता है। माउथ तो पीपीआर कैविटीज, इंटरपेस्ट भी तो है। पीपीआर रिएंडर पेस्ट में जो है वो उसमें वेस्किल्स नहीं होता है, इट इज अ डिपोजिशंस ऑफ द ये ब्रेन लाइक डिपोजिशंस, ओके। दिस द एलिवेशंस ऑफ द एपिथेलियल सेल्स या मसल्स, जस्ट एलिवेटेड ओनली इन्फ्लेम्ड लाइक जो है मसल्स एलिवेटेड ब्रेन लाइक डिपोजिशंस हो जाता है। वेसिकल्स या ब्लिस्टर इज द दिस इज द कैविटी कंटेनिंग द फ्लूइड, बट इन द केस ऑफ द पीपीआर, ये सॉरी रिएंडर पेस्ट, ओनली वो ब्रेन लाइक डिपोजिशंस डेवलप्स ऑन द डेंटल पैड एंड माउथ कैविटीज। अच्छा, अब जो है इटियोलॉजी, इटियोलॉजी में जो है हम लोग इसको थोड़ा सा अच्छे से इसलिए देखने का जरूरत है कि जो है दिस अ वेरी कंफ्यूजिंग डिजीज है। जो अभी हमने रिसेंटली बुले ये पढ़ाए थे रेबेडो वायरस से जो है डिजीज पढ़ाए थे और रेबीज, तो ये इसका भी इटियोलॉजी जो है रेबेडो वायरस फैमिली से ही बिलोंग करता है, ओके। जैसा रेबीज का जो वायरस था, रेबेडो वायरस जो था वो दिस इज स्पेशल शेप था, बुलेट सेपरेट था, इसमें भी जो है आपको शेप स्ट्रक्चर्स मॉर्फोलॉजिकली जो है वो वैसा ही मिलेगा जैसे कि जो है वेस्कुलर स्टोमेटाइटिस का है और रेबिड वायरस का है। दिस ये कंटेन्स ए लार्ज नंबर ऑफ इनवेलप्ड सिंगल स्ट्रैंडेड नेगेटिव सेंस आरएनए वायरस, जान रहे हैं। द फैमिली रेबेडो फैमिली हैव ए टू जेनरा, वेसिक्यूलो वायरस एंड लाइजा वायरस। वन ऑफ देम लाइजा वायरस जो है काउजिंग द रेबीज इन द वार्म एनिमल ब्लडेड एनिमल्स, एंड वेस्क्यूलो वायरस इज द डिजीज ऑफ द मेनली क्लोवन फुटेड एनिमल्स प्रोड्यूसिंग द वेसिकल्स ऑन द माउथ एज वेल एज द फीट लीजन्स, ओके। तो देर द नो कंफ्यूजन कि हमने रेबेडो वायरस का पढ़ा, उसमें सर ने बताया कि ये दिस इज द न्यूरोट्रॉपिक वायरस, बट इसमें सर बता रहे हैं कि दिस इज द एपिथेलियोट्रॉपिक वायरस, वो जो है दिस द लीजन प्रोड्यूसिंग ऑन द ओनली ब्रेन, बट इन द
वेसिकुलो वायरस द लीजन्स मेनली जो है डेवलप इन द माउथ टू कैविटी एज वेल एज द फीट लीजन्स। ओके, सो जो रेबेडो वायरस का जो जेनरा जो ये बायफर्केट हुआ है, ये लाइसा वायरस और वेसिकुलो वायरस, तो हम लोग जो है अब वेसिकुलो वायरस के का जो है जेनरा के बारे में स्टडीज करेंगे। ओके, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, सब सुन रहे हैं ना? यस सर, यस सर, यस सर। वेस्कुलर डिजीज द थ्री मोस्ट इंपॉर्टेंट डिजीज ऑफ एनिमल काउज बाय द रेबेडो वायरस फैमिली, या दिस इज द जेनरा ऑफ द वेसिकुलो वायरस। फॉर वन ऑफ देम द वेसिकुलर स्टोमेटाइटिस, this is a disease, is a know the name as a vesicular stomatitis. This is a very simple names, and this is indicating the stomatitis. It means inflammations in the mouth cavity. So vesicular stomatitis, but ये disease में जो है mouth cavity as well as the feet regions both are the involved. The genus belongs to the vesiculovirus. Other with the rabies from the genus Lysa virus, जो कि मैंने ऊपर में बताया है। Third one is the bovine epidermal fever from the unclassified rabido virus. ठीक है, ये जो है rabido virus के जो है, फिर जिसमें जो है वो फैमिली में तीन जो है कैटेगरी है, vesicular वेसिकुलर स्टोमेटाइटिस, उसका जो है जीनस जो है वेसिकुलो वायरस है, रेबीज एक काउज करता है जिस जो कि लाइसा वायरस से होता है, वो बाइन जो है एपीएमरल फीवर जो है अनक्लासिफाइड सिकनेस जिसको थ्री डे फीवर भी बोलते हैं, ये रेबेडो वायरस अनक्लासिफाइड रेबेडो वायरस से ये जो है होता है। अब थोड़ा सा देयर द सेम जो है रेसिस्टेंस टू द फिजिकल एंड केमिकल्स रिएक्शंस ऑन द वायरस, जैसे रेबीज वायरस में होगा इसमें भी होगा, तो ये चीज को थोड़ा सा जब वायरस का स्टडीज करते हैं तो उसको देख लेना जरूरी होता है। जैसे अभी जो है अभी जो वायरस में जो चला हुआ है कोरोना वायरस, उसमें कहते हैं कि अल्कोहल बेस्ड से जो है सैनिटाइज करेंगे, तो वही रीजन है इसका, इससे जो है वायरस जो है डिस्ट्रॉय होता है, इनएक्टिवेटेड होता है, तो उसमें भी जो है ये वायरस जो है टेम्परेचर जो है 58 डिग्री सेंटीग्रेड पर फॉर 30 मिनट्स रखने के बाद ये वायरस डिस्ट्रॉय हो जाता है। पीएच देयर द बिटवीन द देयर द मोर रेंज 4-10 पीएच पे जो है ये सर्वाइव नहीं करता। केमिकल्स लाइक देयर आर सो मेनी केमिकल्स इन द लिस्टेड हियर। ओके, सर्वाइवल इनएक्टिवेटेड बाय सनलाइट, दिस द नोटेड सर्वाइविंग इन द सनलाइट ऑन द बॉडी सरफेस ऑफ द एनिमल्स द लॉन्ग पीरियड्स डायरेक्टली एक्सपोजर टू द सनलाइट द वायरस किल्ड। सर एडमिट करने के लिए बोल रहे हैं। धोनी लास्ट में बचा है, कौन है धोनी? हाँ चलिए ठीक है। अब जैसे अब वेस्कुलर वायरस का जो है चर्चा चल रहा था, तो उसमें जो है थोड़ा सा इसको भी समराइज कर लेते हैं। फुट एंड माउथ डिजीज आपको बताया गया है, एटियोलॉजी जो है फुट एंड माउथ डिजीज वायरस इन द फैमिली ऑफ पिकोरना वैरायटी फैमिली, जीनस जो है तो वायरस से बिलोंग करता है। डिस्ट्रीब्यूशन एफएमडी इन एंडेमिक इन द एशिया अफ्रीका एंड मिडिल ईस्ट एंड मैक्सिमम पार्ट ऑफ द मोस्ट पार्ट ऑफ द साउथ अफ्रीका, जो कि साउथ अफ्रीका जो टाइप का जो है सेट 1 सेट 2 सेट 3 जो है वो स्ट्रेन है, और एशिया का जो है एओसी और एशिया 1 जो आगे मैं बताता हूँ। स्पेसीज अफेक्टेड जो है जानते हैं ऑल द क्लोवन फुटेड एनिमल्स, जिसमें भी जो है डू यू मीन बाय क्लोवन फुटेड, ये जो है बायफर्केटेड हुप्स होता है, जो पैर में जो हुप्स होता है
वो बाइफर्केटेड होता है, ठीक है, उसी को क्लोव एंड फुटेड बोलते हैं, डोमेस्टिक एनिमल एज वेल द वाइल्ड एनिमल्स, ठीक है। हॉर्स आर नॉट अफेक्टेड, हॉर्सेस आर द रेसिस्टेंस और द रेसिस्टेंस फ्रॉम द एफएमडी वायरस, ठीक है। तो जो है मॉर्टिलिटी जानते ही हैं कि इसमें 100% होता है, मॉर्बिडिटी इज 100% बट मॉर्टिलिटी इज लेस देन द 1%, इज रेयरली जो है मॉर्टिलिटी डेवलप ओनली एक्सेप्ट ऑन द केस ऑफ द यंग एनिमल्स, यंग एनिमल्स में जो है मॉर्टिलिटी होता है ड्यू टू द पेरिकार्डियाइटिस, ठीक है, वो कार्डियक लीजंस जो है ट्रिगर्ड हार्ट अफेयर्स जो है लीजंस डेवलप होता है, हार्ट मसल्स जो है नेक्रोज हो जाता है जिसके कारण जो हार्ट जो है डैमेज हो जाता है, वो जो है यंग्स में जो है मॉर्टिलिटी होता है, बट ये सॉरी बात एडल्ट एनिमल में जो है मॉर्टिलिटी बहुत लेस होता है, रेयरली मॉर्टिलिटी होता है। विवेकानंद म्यूट कर लो ना प्लीज। म्यूट कर लीजिए सब अपना। इटियोलॉजी फूट एंड माउथ डिजीज का जो है जीनस वायरस से जो और फैमिली पिकोरना वायरेटी फैमिली से बिलोंग करता है, देयर द सेवन टाइप ऑफ द सीरो टाइप, टाइप वन अमंग व्हिच A22 A5 एंड A10 सब टाइप्स आर द मोर कॉमन जो है अकरिंग एंड प्रोड्यूसिंग द एफएमडी डिजीज, टाइप ओ टाइप सी सेट वन सेट टू सेट थ्री साउथ अफ्रीका टेरिटरी वन साउथ अफ्रीका टेरिटरी टू साउथ अफ्रीका टेरिटरी टू एंड एशिया वन, ठीक है। इन द जो है एशियन कंट्री जैसे लाइक इंडिया पाकिस्तान बांग्लादेश में जो है टाइप ओ और एशिया वन इज अ मोर प्रिविलेंट जो है ये जो है डिजीज ये फ्रिक्वेंटली इसी सीरोटाइप के कारण जो होता है, और एक सीरोटाइप दूसरे सीरोटाइप को प्रोटेक्ट नहीं करता, एंटीजेनिकली जो है वो प्रोटेक्ट नहीं करता, जिसके कारण जो है ये रिपीटिंग ऑफ द डिजीज इन एवरी ईयर, सो जो इसको हर साल जो है वैक्सीनेट करना होता है एनिमल्स को, गवर्नमेंट ऑफ के द्वारा भी जो है इसको एफएमडी बीक्यूएचएस का जो है प्रोग्राम चलता है और एनिमल्स को वैक्सीनेट करना पड़ता है। दिस इज द एपिथेलियोट्रॉपिक वायरस, मोस्ट एफिनिटी टू द एपिथेलियल सेल्स ऑफ द माउथ लीजन्स एज वेल एज द पिट लीजन्स, ठीक है। वायरस इनवेड्स एपिथेलियल सेल्स, मल्टीप्लाई रिजल्टिंग वेसिकल्स फॉर्मेशंस, रिजल्टिंग इन द वेसिकल फॉर्मेशंस, फाइनली कॉजिंग फोकल एरिया ऑफ डिजेनरेशन एंड इन्फ्लामेशंस, इनवेड द लिम्फ नोड एंड ब्लड results in the producing the vermia and reach the epithelial cells of other mucous membrane and the interdigital space, dorsum of the tongue, gums, producing the vesicles, ठीक है। The most favorable cell for the reproduction of the virus in the middle layer of the skin, स्ट्रेटम स्पाइनोसम, ओके, स्ट्रेटम स्पाइनोसम लेयर में जाके जो है इसका जो है वहां पे जाके जो है इसका जो है कंफर्ट साइट है, यहाँ पे जाके अपना ये लीजन्स प्रोड्यूस करता है, कॉलोनाइज करता है एंड देन स्प्रेड एंड प्रोड्यूसिंग द जो है लीजन्स लाइक जो है वेस्कुलर लीजन्स एंड काउज द माइकार्डियल डीजेनरेशन इन द यंग काल्फ्स, जिसके कारण जो है यंग काल्फ में जो है मोर्टिलिटी होता है ड्यू टू द काउजिंग द माइकार्डियल डीजेनरेशन, माइकार्डियल डीजेनरेशन ऑफ द माइकार्डियल मसल्स इन द काल्फ्स कैन नॉट सर्वाइव फ्रॉम द एफ एम डी डिजीज के जो है एक्सपोजर हो जाने के बाद सर्वाइव नहीं होता है। Then, अब जो है हम लोग को चर्चा करना है ये वेसिकुलर एस्टोमेटाइटिस, दिस इज द साइनोनिम्स ऑफ द वेसिकुलर एस्टोमेटाइटिस इज द सोर माउथ,
स्यूडो फूड एंड माउथ डिजीज. दिस इज द मोर और लेस सिमिलर टू द लाइक फूड एंड माउथ डिजीज. इसमें भी वेसिकल्स प्रोड्यूसर होता है, माउथ रीजन पे होता है, इंटर डिजिटल स्पेस में होता है. तो जो है वेसिकल्स का फॉर्मेशन होता है एंड पैथोजेनेसिस इज द सेम. ठीक है, पैथोजेनेसिस इज द सेम. वेस्कुलर अब जो है हम लोग थोड़ा थोड़ा जो है इसमें डिफरेंशिएट. आवाज में थोड़ा आ रहा, म्यूट कर लो जिसका भी है. ओपन मत करना माइक यार, बंद रखो तो ना. ठीक है, तो साउंड नहीं आ रहा है सर, इसलिए ओपन. साउंड नहीं आ रहा, साउंड तो आपका सुनाई दे रहा है और सर आपका भी आ रहा है. ठीक है, मतलब ठीक है, नेटवर्क का प्रॉब्लम होते रहता. वेसिकुलर एस्टोमेटाइटिस, दिस इज द आल्सो कॉल्ड ए सोर माउथ, स्यूडो फूड एंड माउथ डिजीज, माउथ थ्रस एंड सोर नोज. दिस इज द सोर नोज, इट इज आल्सो कॉल्ड. देयर द प्रोमिनेंट लीजन्स प्रोड्यूस ऑन द नोज लीजन्स, नोज पेयर. ठीक है, अब जो है हम इसको स्यूडो फूड एंड माउथ डिजीज क्यों बोलते हैं. ठीक है, अब क्या दोनों में जो है दोनों का ठीक है एटियोलॉजी अलग है, बट लीजन्स के आधार पे हम इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे. वेस्कुलर एस्टोमेटाइटिस इज अ इन्फेक्शियस डिजीज कॉज्ड बाय द वेस्कुलो वायरस एंड कैरेक्टराइज्ड क्लिनिकली बाय द डेवलपमेंट ऑफ द वेस्किल्स ऑन द माउथ एंड फीट. ठीक है, दस इट हैज ए क्लोज सिमिलर टू द फूट एंड माउथ डिजीज एंड वेस्कुलर एक्जेंथाइमा. ठीक है, वाइल प्राइमरली ए डिजीज ऑफ द हॉर्स. This is the first difference. Second differentiation, first is the etiological difference to the foot and mouth disease. ठीक है, उसका जो है पिकोरोना वायरस से होता है, एप्थस वायरस है उसका जो है etiology है. इसका जो है आपको वेस्कुलो वायरस है, इसका etiology है. Then horse is the resistance to the foot and mouth disease, but vesicular stomatitis is the more sensitive to the वेसिकुलर वेसिकुलो वायरस. ठीक है, सो प्राइमरली डिजीज ऑफ द हॉर्स. ये जो वेसिकुलर स्टोमेटाइटिस जो है ये प्राइमरली डिजीज जो है ये हॉर्स का है. ठीक है, इट हैज ए कम टू अज्यूम मेजर इंपॉर्टेंस एज ए डिजीज ऑफ कैटल एंड पिग्स इन कंपेरिजन टू द हॉर्स. एटियोलॉजी जो है, वायरस बिलोंग्स टू द फैमिली रेबिडो वायरस जीनस वेस्कुलो वायरस का जो है डिस्ट्रीब्यूशन. वेस्कुलो वायरस कैन बी फाउंड इन द नॉर्थ एंड सेंट्रल अमेरिका एंड नॉर्थन पार्ट ऑफ द साउथ अमेरिका. ठीक है, दिस इज द डिजीज ऑफ द जो है ये अफ्रीकन टेरिटरीज का जो है डिजीज है. अपने इंडिया में जो है ये डिजीज जो है रेयरली जो है मिलता है, बट कम मोस्टली जो है ये डिजीज आपको जो है ये यूरोपियन टेरिटरीज का डिजीज है. ओके, स्पेसीज अफेक्टेड हॉर्स, मूल्स, डंकी, कैटल, सीप एंड गोट्स. मॉर्बिडिटी वेरीज बट अप टू 90%, वाइल मोर्टिलिटी इज द लो. सेम ये जो है इसमें भी आपको जो एफ एम डी के ही तरह है, मॉर्बिडिटी इज द हाई बट मोर्टिलिटी इज द वेरी लेस. अब देयर द थ्री टाइप ऑफ द सीरो टाइप ऑफ द ये वेस्कुलो वायरस. ठीक है, फर्स्ट स्ट्रेन इज द इंडियन स्ट्रेन, अदर वन इज द न्यू जर्सी स्ट्रेन एंड थर्ड वन इज द ट्राइनिडेड स्ट्रेन या एकॉल स्ट्रेन. ठीक है, वन ऑफ देम दीज स्ट्रेन कैन बी सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर बाय द सीरम न्यूट्रलाइजेशन एंड कम्प्लीमेंट फिक्सेशन टेस्ट. बोथ टू टेस्ट देर द डिफ्रेंशिएट टू द स्ट्रेन टू ईच अदर्स. ठीक है, ऑन द सीरम न्यूट्रलाइजेशन टेस्ट एंड कम्प्लीमेंट फिक्सेशन टेस्ट. द इंडियाना सीरोटाइप इज कंप्राइज ऑफ फोर सब टाइप्स. ठीक है, देन न्यू उसमें से जो है न्यू जर्सी स्ट्रेन इज द मोर विरुलेंट ओवर द अदर स्ट्रेन. न्यू जर्सी स्ट्रेन जो है मोर विरुलेंट है, मोर पैथोजेनिक है एंड देयर द मोर
जो है लीजन्स प्रोड्यूस करता है इन दैट ये लाइक हॉर्स कैटल गोट, ठीक है। अब जो है डिजीज एंड मेजर स्पेसिफिक स्पेसीज अफेक्टेड एंड ट्रांसमिशंस, दैट द ट्रांसमिशंस, ट्रांसमिशन इज द वेरी इंपॉर्टेंट ऑफ द ये स्वाइन ये वेस्कुलर स्टोमेटाइटिस। दिस इज द ट्रांसमिटेड थ्रू द इंसेक्ट लाइक फ्लाई, मैं आगे चर्चा कर रहा हूँ, बट इन द फूट एंड माउथ डिजीज देयर द ट्रांसमिशन थ्रू द एरोसोल्स डायरेक्ट कंटेंट एंड फॉमिटीज, ठीक है। तो जो है एक मेजर डिफ्रेंसिएशन यहाँ पे आया फूट एंड माउथ एंड वेस्कुलर स्टोमेटाइटिस से। विवेकानंद पेड़ के नीचे क्या कर रहे हो, अस्थिर हो जाओ। जो है फूट एंड माउथ डिजीज में जो है स्वाइन कैटल सीप कोट एंड अफ्रीकन बफेलो मेजर स्पेसीज अफेक्टेड होता है। स्वाइन वेसिकुलर डिजीज में जो है ये स्वाइन एंड ह्यूमंस आल्सो ससेप्टेबल फॉर द स्वाइन वेसिकल्स डिजीज एंड ये कौन आया है एंड वेसिकुलर एक्जेंथाइमा ऑफ द स्वाइन, दैट द स्वाइन इज द मोर मेजर स्पेसीज अफेक्टेड स्वाइन एंड मैरीन मैमल्स, ठीक है। मैरीन मैमल्स जो है ये सब जो है ये वेसिकुलर एक्जेंथाइमा से अफेक्टेड होता है, लाइक जो है डॉल्फिन। ये डायरेक्ट कंटेंट एफॉर्मिटी से जो है इसका ट्रांसमिशन होता है। वेसिकुलर स्टोमेटाइटिस हॉर्स जो है मोर, जैसे मैंने बताया था कि दिस इज द प्राइमरी डिजीज ऑफ द हॉर्स कैटल जूनोटिक डिजीज, ठीक है, ठीक है। दिस इज द मेन इज द ऑल्सो एक्सपोजर टू द वेस्कुलर वेस्कुलो वायरस, ठीक है। वेस्कुलर स्टोमेटाइटिस जो से जो है ह्यूमन बींग भी जो है ये होता है अफेक्टेड होता है। The disease was characterized by blisters या vesicles, eruptive lesions in the coronary band, lips, mouth, muscles, salivation, ये lameness and loss of the conditions develop, ठीक है। इतना यार करके जुटते रहोगे राजवल्लभ। Swollen of the lower limbs and leaves and ulcerated and erosive area in the leaves and muzzle were observed in the some horse. This is the photographs of the affected through the vesicular stomatitis in the horse. Clinical sign like erosions and ulcerations on the tongue. Hello. Yes sir. Yes sir. ये time continue हो गया क्या? अपने आप time बता रहा था कि. Yes sir. 10 minutes बचा है. 10 minutes मात्र बचा है. यही होता फिर इसका. हाँ, जैसे erosions and ulcerations on the tongues, this is the first A, photographs, rupture of the vesicles around the nostrils, aero portions at the middle larynx, this one, and the lower larynx, ठीक है, and the most ये जो है extensive erosions on the top of the lip around the nostrils, ठीक है। इरोजन अलोंग द कॉर्नरी बैंड ऑफ द हूप, दिस वन, दिस पिक्चर्स डी इज द वेरी, दिस द हॉर्स इज नॉट ए क्लोवन फुटेड एनिमल, कंप्लीट इसमें हूप होता है। इसमें जो है ये फिट लीजन्स में जो है कॉर्नरी बैंड्स ये जो होता है यहाँ पे जो है लीजन्स डेवलप होता है, ओके। इन द केस ऑफ द FMD इन द इंटर डिजिटल स्पेस के जो है जो एपिथेलियल सेल्स होता है उसके लीजन्स में वेसिकल्स प्रोड्यूस होता है एंड अल्सरेशंस डेवलप होता है एंड प्रोड्यूसिंग द लेमनेस। इन द केस ऑफ द वेसिकुलर स्टोमेटाइटिस द कॉर्नरी बैंड इज द अफेक्टेड एंड द हॉर्स आफ्टर द अफेक्टेड टू द कॉर्नरी बैंड द हॉर्स डेवलप द लेमनेस साइन, ठीक है।
होस्ट रेंज इसका चर्चा हो गया है, ठीक है। ट्रांसमिशंस, ट्रांसमिशंस ए वेरी इंपॉर्टेंट, दिस वायरस कैन बी बायोलॉजिकली ट्रांसमिटेड बाय द ब्लैक फ्लाई, ठीक है। टाइमुलेशन बाय टेटम एंड मैकेनिकली बाय द क्यूरिक्वाइडिस एंड हाउस फ्लाई, ठीक है। ये इसका ट्रांसमिशन, दिस अ सेपरेट टाइप ऑफ ट्रांसमिशंस, ठीक है। ये इसमें नो एरोसॉल्स, नो जो है कंटामिनेटेड फूड, द बायोलॉजिकल ट्रांसमिशंस इसमें होता है, ठीक है। इनक्यूबेशन पीरियड इज 2-8 days, देयर द फोटोग्राफ्स टू द जो है वायरस कैसे सेल्स में जो है एंट्री करता है, एंट्री करने के बाद जो है ये अपना जीनोम्स को छोड़ के फिर इसमें रिप्लिकेट करके वायरस निकलता है, इसको अपनी फोटोग्राफ्स के अति से उसको से इसको ये कर लेना। अभी एनिमल्स लेमनेस, देन दिस इज द लीजन्स डेवलप्स ऑन द टंग्स, ये डिफ्रेंसिएशन जो है FMD एंड वेसिकुलर स्टोमेटाइटिस में, इतना जो है सीवियरली अफेक्टेड जो है टंग्स इन द केस ऑफ द FMD में नहीं होता है कि पूरा ये जो टंग्स जो है ये जो इरोसिव लाइक लीजन्स जो है डेवलप हो गया पूरा ऑल ओवर द जो है अपर सरफेस ऑफ द टंग्स। इन द केस ऑफ द FMD देयर द वेसिकल्स प्रोड्यूस हेयर देयर देयर द इनकम्पेरियबल टू द वेसिकुलर स्टोमेटाइटिस जो है लेस टंग लीजन्स डेवलप in comparison to the FMD that the in the case of the vesicular stomatitis tongue lesions is the more prominent lesions like vesicles ulcerations develops on the tongues. Vesicular stomatitis mein jo hai ye upper jo hai jaw ho gaya aur dental pad ho gaya ye jo hai isme jo bhi jo lesions milta hai क्लिनिकल प्रेजेंटेशन हॉर्स में, हॉर्स एंड केटल में फीवर होता है, एक्सेसिव सलाइवेशन होता है, वेसिकल्स रैपिडली प्रोग्रेसिंग टू प्रोड्यूस द अल्सर्स ऑन द टंग, केटल में वेसिकल्स ऑन द टिप्स एंड कॉर्नरी बेंड्स, स्वाइन में वेसिकल्स एंड अल्सर्स ऑन द कॉर्नरी बेंड्स, नोज टंग्स लीजन्स हील रैपिडली ऑन 7-10 days। ये जो एक पिक्चर है जो ईयर में, ईयर के जो है डोर्सल पार्ट पे जो है ये जो है हॉर्स या मूल के केस में, वेस्कुलर स्टोमेटाइटिस के केसेस में जो है लीजन्स डेवलप होता है, ठीक है। ये जो है अपर पार्ट्स, हाँ ये लीजन्स ऑफ द वेस्कुलर स्टोमेटाइटिस lips presence of the erosions and vesicles in the skins, this one there are the vesicles and severe erosive lesions on the skins of the upper lip and face, this one, this is the peculiar lesions develops on the upper lip and face in the case of the vesicular stomatitis. These those type of the lesions cannot develop on the FMDs. Okay? And there are the photographs of the histopathological slides. Vesiculations develop due to the vesicles formations. There are the vesicular necrotic degenerations develops and infiltrations of the inflammatory cells like neutrophils, lymphocytes. जिसका कि मैंने अभी चर्चा किया vesicular vesiculopustular dermatitis with severe infiltrations of the neutrophils जो देख रहे थे फिगर में, necrotizing vesiculopustular dermatitis with severe infiltrations of neutrophils, ballooning degeneration जो कि vesiculation degeneration जिसको बोले थे, there the ballooning degeneration, this those one, ठीक है। Degenerations develops in the microscopical histopathological slide are observed in the epidermis of the affected lesions.
डायग्नोसिस स्पेसिमेंस फॉर आइसोलेशन ऑफ द वायरस एपिथेलियल फ्रॉम लीजन्स एंड वेस्कुलर फ्लूइड्स लेबोरेटरी कंफर्मेशन इज रिक्वायर्ड बिकॉज ऑफ द सिमिलरिटीज बिटवीन द वेस्कुलर स्टोमेटाइटिस फूट एंड माउथ डिजीज एंड स्वाइन वेस्कुलर डिजीज सो इन द हॉर्स प्रेजेंट विद द वेस्कुलर लीजन्स infections with the vesicular stomatitis virus should be considered ye to differentiate jo hai on the basis of the jo hai lesions horse mein ho gaya ki ye fmd nahi hai ye dono mein se koi hai vesicular lesions mein jo hai ye vesicular stomatitis se ho sakta hai and other vesicular jo hai lesion producing karne wala disease hai usse ho sakta hai usme jo hai antigen detection test like cft and elisa test FAT test, ELISA, CFT, or virus neutralization test are the suitable for the identification of the isolations of the virus, particular virus. अब जो है vesicular stomatitis in the human, अगर human में exposure हो जाएगा तो there is the producing the lesions like the flu-like symptoms develops on the headache, fever, muscle ache. H and extreme fatigue. People rarely develop blister in their mouth. ये जो है rarely जो है like जो है animals के तरह जो है blister या vesicles develop होता है but there the disease symptoms like ये flu, headache, ये सब जो है muscle pain ये सब develop होगा fever आएगा human being में अब जो है ये स्वाइन वेसिकुलर डिजीज दिस इज द अदर डिजीज ऑफ द वेसिकुलर डिजीज इन द स्वाइन वेसिकुलर डिजीज मेनली डिजीज ऑफ द प्राइमरली डिजीज ऑफ द पिग स्वाइन द डिजीज इज कॉज्ड बाय द स्वाइन वेसिकुलर डिजीज वायरस ऑफ इंट्रो वायरस जीनस से ये बिलोंग करता है फैमिली पिकोरना वैरायटी फैमिली से है ये बिलोंग कर रहा है द जो है ये स्वाइन वेसिकुलर डिजीज वायरस इज ऑफ द वायरस इज क्लोजली रिलेटेड टू द ह्यूमन इंट्रो वायरस एंड कॉक्सिक बी फाइव वायरस द डिजीज वॉज फर्स्ट रिपोर्टेड इन फीडर पिग इन इटली इन 1966 ठीक है इट हैज सिंस बीन रिपोर्टेड इन ग्रेट ब्रिटेन several european country and it is also jo hai disease develop on the asian country territory theek hai there has been